गाइस, तो आज हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं कि पपी को घर में लाने के लिए सबसे पहले आपके घर में क्या क्या चीज चाहिए, और कुछ चीजें हैं जो आप पपी के लाने के एक हफ्ते बाद भी लाएंगे तब भी चलेगा। तो हम लोग इस वीडियो को दो पार्ट में किया है कि लेवल वन में जो पप्पी आपके घर में आने से पहले ही आपको ज़रूरत पड़ेगा, और लेवल टू जो आपको पप्पी लाने के बाद एक हफ्ते के बाद अंदर भी आप लाएंगे तब भी चलेगा। तो फर्स्ट आपको हमेशा उसके लिए फूड, सबसे पहले फूड और उसका फूड बाउल, ये दोनों लाना ही है। हाँ, और एक ज़रूरी चीज़, आप फूड खरीदने से पहले आपके जो ब्रीडर है उसको पूछ लीजिएगा कि उसको अभी क्या पपी को क्या खाना दे रहा है, तो उसके हिसाब से जो खाना दे रहा है वही आप फूड वही आप ले आइए। सेकंड, आप ट्रिक्स ले आइए, क्योंकि पपी नया आएगा, उसको च्यू करने के सामान चाहिए, तो आप उस ट्रीट को देके उसको आप अपने साथ बॉन्ड भी कर सकते हैं, फिर ट्रेनिंग में भी काम आएगा और आपके पपी का टाइम पास भी हो जाएगा इसके साथ। थर्ड, वाइप्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पपी कुछ भी खाएगा तब ना उसके मुंह में बहुत, और आप थोड़ा लिक्विडी फूड तब ज़्यादा देते हैं तो मुंह में लग जाता है, तो वाइप्स बहुत ज़रूरी है। टॉयस तो है ही ज़रूरी, क्योंकि पपी के टाइम पास के लिए बदमाश तो होते ही है सारे पपी, तो पपी के टाइम पास के लिए टॉयस तो बहुत ही ज़रूरी है। और आप सब च्यू वाला टॉयस लाइएगा, क्योंकि तब उन लोगों का टीथिंग होता है, तो च्यू टॉयस। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, अगर हार्ड होगा तो उसके गम में लगेगा और उससे आपका ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो सॉफ्ट टॉय लाइएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके लिए लीस और कॉलर, आप जब लाएंगे घर उसी दिन आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको पकड़ना है, थोड़ा बहुत चलाना है, तो लीस कॉलर मस्ट है उसके लिए। फिर आता है उसका हेयर ब्रश, पप्पी को लाते ही आपको हेयर ब्रश तो कराना ही है डेली, क्योंकि पप्पी कोट है तो थोड़ा झड़ता भी है, तो हेयर ब्रश तो मस्ट है। और आप ट्राई करिएगा ऐसे सिलिकॉन वाला हेयर ब्रश लाने के लिए, ये बहुत सॉफ्ट भी होता है और पप्पी के लिए अच्छा भी है। उसके बाद आता है आपका टॉयलेट पैड्स, जो कि आपका इस तरीके से आता है ऐसे, तो इसमें आपको पप्पी बहुत ट्रेंड बहुत टॉयलेट करता है, हर एक घंटे में तो टॉयलेट कर ही देगा, तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा टॉयलेट पैड्स के लिए, तो ये आपको पहले से ही ला के रखना है। ये बहुत सारे साइजेस में आता है, तो आपके पपी का साइज जैसा है आप उस हिसाब से ले आइए। और हाँ, और एक चीज़, इसके लिए आपको चाहिए आपका टॉयलेट ट्रेनिंग का स्प्रे, अगर स्प्रे नहीं लाएंगे तो ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये स्प्रे देंगे तभी पपी जाके उसको स्निप करेगा एंड देन वो इसमें टॉयलेट पास करेगा, तो ये दोनों चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेल कटर उसके लिए, पपी के लिए तो ज़रूरी है ही, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पपी का नेल्स बचपन में बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, तो आपको हर आई थिंक 2-3 दिन में तो थोड़ा बहुत नेल कट करना ही पड़ेगा, तो आप नेल कटर तो सबसे पहले ले ही आइए। तो अभी हम लोग बताने जा रहे हैं आपको सेकेंड लेवल में आपको क्या क्या चाहिए, मतलब पप्पी घर में आने के बाद आपको एक हफ्ते के अंदर ये लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट उसके लिए टॉवल, क्योंकि आप नहलाएंगे या कुछ करेंगे तो टॉवल ज़रूरी है, टॉवल हो गया, शैम्पू जो भी आपकी पप्पी, आप ये भी ब्रीडर से पूछ लीजिएगा जिस शैम्पू के साथ वो यूज़ टू है, पहला बात आप उसी शैम्पू से दीजिएगा, नहीं तो स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड है कि उसका सम सप्लीमेंट, ये भी आप ब्रीडर से ज़रूर पूछिएगा कि उसका क्या सप्लीमेंट्स वगैरह चल रहा है या चलाना है कि नहीं, ये पूछ के तभी आप सप्लीमेंट्स लाइएगा, और अगर बाद में लाना है तो आप वेट से कंसल्ट करके फिर उसके सप्लीमेंट ले आइए। फिर हाँ, डीवॉर्मिंग हर पपी को 15 डेज में डीवॉर्मिंग करना पड़ता है, तो ये भी आपका मतलब पपी लाने के बाद 10 दिन के अंदर तो चाहिए ही चाहिए,
तो ये भी आप ब्रीडर से पूछ के वेट्स के साथ कंसल्ट करके फिर लाइएगा। लेकिन ये मतलब आपको कुछ ही दिन के अंदर ज़रूरत इसका पड़ेगा, डीवॉर्मिंग टैबलेट या लिक्विड का। एक थर्मोमीटर आप घर में हमेशा रखिए, क्योंकि पपीज़ को अगर फीवर आता है या कुछ आता है तो आप वेट के पास तो ले जाएंगे, लेकिन पहले आप अपने टेम्परेचर पपीज़ का चेक कर सकते हैं थर्मोमीटर से। तो एक थर्मोमीटर घर पे ज़रूर लाइए। फिर ये ईयर क्लींजर, पपी की ईयर्स में बहुत सारे आपका डर्ट जम जाता है, तो वो ईयर क्लीन करने के लिए आपको ईयर क्लींजर भी चाहिए होगा। एंड लास्ट, पपी का अगर आपके पपी को स्मेल वगैरह आता है तो ये परफ्यूम है, जैसे आपके पपी आते ही सारे दोस्त वगैरह रिलेटिव्स पपी से मिलने आते हैं, तो थोड़ा स्मेल अगर वो करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ये परफ्यूम ज़रूर दे सकते हैं। और अदरवाइज आपका ड्राई बाथ भी आता है तो आप वो ला के भी करवा सकते हैं, क्योंकि ना पपी को आप ज़्यादा बाथ नहीं करवा सकते, उसको ठंडा लगने का चांसेस हो जाता है। तो परफ्यूम या तो आपका ड्राई बाथ का जो शैम्पू आता है वो आप ला सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ है, ये बीटाडाइन है, ये पपी से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत है, क्योंकि ना पपी का नेल्स और टीथ बहुत शार्प होता है, तो आपको लगना ही लगना है, आप कुछ भी कर लीजिए आपको लगेगा। तो ये बीटाडाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी आपको कट हो जाए तो आप बीटाडाइन लगा लीजिए। और वैसे भी पपी को भी अगर कट होता है या कुछ होता है तो आप उसको बीटाडाइन आराम से दे सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चाहिए। मैं फिर भी आपके आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। फूड एंड फूड बाउल, वाइप्स, टॉयस, ट्रीट्स, लीसेस और बेल्ट कॉलर, नेल कटर, स्लिकर ब्रश, टॉयलेट पैड एंड टॉयलेट स्प्रे एंड कारपेट। अगर आप बेडिंग ला सकते हो तो बेडिंग लाइए, या तो आपका सॉफ्ट कारपेट से भी आपका काम चल जाएगा तो आप कारपेट ला सकते हैं। सेकेंड लेवल में मतलब पप्पी घर में आ जाने के बाद एक हफ्ते के अंदर आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो है टॉवल, शैम्पू एंड पप्पी का सप्लीमेंट, डीवॉर्मिंग, थर्मोमीटर, ईयर क्लींजर एंड परफ्यूम एंड आपके लिए बिटर लिक्विड। सो मेरे पपी के साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड हैप्पी पेरेंटिंग।